तो फाइनली हम अपने सोशल मीडिया नेटवर्किंग की जो सीरीज़ है उसके आखिरी पार्ट में आ चुके हैं एंड सॉरी कि मैं वीडियो नहीं डाल रहा था एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल अभी भी अच्छा नहीं महसूस कर रहा but still, मैं बट स्टिल मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया पाँच दिन हो गए वीडियो नहीं डाली कुछ डाल देते हैं और सीरीज़ को आधा अधूरा छोड़ रखा है लास्ट वीडियो बची हुई उसको भी अपलोड कर देते हैं सीरीज को खत्म करते हैं राइट right, तो है गा इस मीडिया में इंजी एंड वॉचिंग माई चैनल और तुम अगर वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो पी डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो हम वन के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं आई मीन अराउंड छः सब्सक्राइबर्स हो चाहिए सो जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि वन के जल्द से कम्प्लीट हो जाए क्योंकि सब्सक्राइबर्स और जितने ज़्यादा लोग वीडियोज़ को देखते हैं उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो को बनाने के लिए जैसे कि हर सब्सक्राइबर बोलता होगा वैसे ही मैं बोल रहा हूँ मतलब यूट्यूबर राइट सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम स्टार्ट करते हैं तो देखो अभी तक हमने अपने प्रोजेक्ट में सभी चीज़ें बना ली हैं ठीक है अगर मैं यहाँ पे लॉग इन करूँ एंड यहाँ पे लॉग इन साइन इन कर लेते हैं हम तो यहाँ पे देखोगे हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बना ली ठीक है यहाँ पे हमने चैटिंग के लिए सिस्टम बना लिया राइट चैटिंग के लिए हमने यहाँ पे सिस्टम बना लिया है बढ़िया से और ये सब वर्क कर रहा है हमारा नोटिफिकेशन सिस्टम वर्क कर रहा है फॉलो अन फॉलो का बना लिया हमने ब्लॉक अनब्लॉक का बना लिया और डिलीट का भी बनाया तो हमने यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स बना लिए काफ़ी लग 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 सारे लगभग लगभग सारे फीचर्स बना लिए तुम इसको और इम्प्रूव कर सकते हो अगर तुम चाहो तो वादा मैं बता दूँ कि जिन लोगों को सिर्फ कोड चाहिए जो लोग सिर्फ कोड चाहते हैं पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट का तो फाइनली मैंने जो पूरा कोड है वो गेट हब पे पुष्ट कर दिया तुम डिस्क्रिप्शन में जो सर्स कोड है वहाँ से डाउनलोड करके उसे यूज़ कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ें बना ली अब बात आती है एडमिन पैनल की राइट तो एडमिन पैनल भी हमने बना लिया है अब एडमिन पैनल में हमने कुछ खास नहीं रखा है मैंने यहाँ पर एडमिन पैनल बनाने के लिए ये एडमिन पैनल एडमिन एल करके एक वेबसाइट है जहाँ पे पी और बूट की मदद से बहुत बढ़िया टैम्पलेट बना हुआ है एडमिन पैनल का ठीक है तुम इसको चाहो तो यूज़ कर सकते हो मैंने इसी को यूज़ किया है क्योंकि तो ज़्यादातर पी में जो लोग काम करते हैं वो इसी को यूज़ करते हैं राइट तो यहाँ पे हम आते हैं हम एडमिन में कैसे लॉगिन करेंगे तो जो हमारी वेबसाइट है इसके बाद हम जाएंगे एडमिन में ऐसे लिखेंगे स्लैश एडमिन देन हम एडमिन को विजिट कर लेंगे तो तुम देो लॉगिन पैनल खुल गया पिक्टोग्राम एडमिन पैनल लॉग इन पैनल फॉर एडमिन ऑनली अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक देता हूँ तो ब्लैंक नहीं जाने देगा राइट मैं यहाँ पे अगर गलत इसको कुछ देता हूँ देन साइन इन करता हूँ तो आप देख सकते हो इनकेेक्ट ई मेल एंड पासवर्ड बोल रहा है मैं यहाँ पे सही डालता हूँ जो कि एडमिन एट द रेट पिक्टोग्राम डॉट कॉम और यहाँ पे पासवर्ड मैं इसको दे सकता हूँ जो कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड देन साइन इन करता हूँ ठीक है तो देखो अभी भी इनकेेक्ट ई मेल एंड पासवर्ड बता रहा है तो इस केस में अब मैं क्या करूँगा डेटा बेस से जाकर देख सकता हूँ तो मैं अपने डेटाबेस में जाऊँगा यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे हमने एडमिन के लिए सिर्फ एक टेबल बनाया एडमिन करके और इसके अंदर एक ही एडमिन है इस वक्त देख सकते हो पंकज शर्मा यहाँ पे इसकी ई मेल आई डी है ये नेम है और ये पासवर्ड है ये पासवर्ड इन इनक्रिप्टेड फॉर्म है बट हमने पासवर्ड को टेक्स्ट फॉर्म में भी रखा है ठीक है तुम चाहो तो हटा सकते हो बट मैंने रखा है ठीक है ताकि मुझे दिखे कि एक्चुअल पासवर्ड क्या है तो देख सकते हो वन फोर टू सेवन वन फोर टू सेवन है मैं यहाँ पे जाता हूँ लिख देता हूँ एडमिन एट द रेट पिक्टोग्राम डॉट कॉम और यहाँ पे वन फोर टू सेवन वन फोर टू सेवन ठीक है दोनों चीज़ मैंने दे दी साइन इन कर लेते हैं हम इसे और यहाँ पर साइन इन करने के बाद देख सकते हो ये हमारा डैशबोर्ड है जहाँ पर हमें सारे यूजर्स अभी दिख रहे हैं राइट right. यहाँ पे यूजर्स की फोटो यूजर्स की नेम यूजर का यूज़र नेम यूजर की ईमेल आईडी तीन चीज़ें मुझे दिख रही है चार चीज़ें और बगल में एक्शंस पे दो बटन दिख रहे हैं लॉग इन यूजर ब्लॉक यूजर ठीक है और यहाँ पर नीचे देख सकते हो तो वेरीफाई वेरीफाई क्या ऑप्शन है ब्लॉक की जगह ये वो यूजर्स हैं जो अभी अभी क्रिएट हुए पर इन्होंने अपनी ईमेल वेरीफाई नहीं किया है मैं चाहूँ तो यहाँ से इनको वेरीफाई कर सकता हूँ देख सकते हो मेरे क्लिक करते वेरीफाइड लिखा आ गया इस पर क्लिक करूँगा वेरीफाइड लिखा गया अगर मैं आप पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे अब इनके आगे भी ब्लॉक का ऑप्शन है राइट मैं यहाँ से किसी भी यूज़र को ब्लॉक कर सकता हूँ और किसी भी यूज़र की तरह लॉग इन कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल सुधांशु कुमार राइट मैं यहाँ पे लॉग इन पर क्लिक करूँगा तो देखोगे मैं यहाँ पे एज़ ए सुधांशु कुमार लॉग इन हो चुका हूँ यहाँ पे यहाँ पर सुधांशु कुमार का एक नोटिफिकेशन मिला हो देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन है और ये सुधांशु कुमार की प्रोफाइल है ठीक है मैं इसका पूरा प्रोफाइल एक्सप्लोर एक्सप्लोर कर सकता हूँ यहाँ से ठीक है ये कुल चीज़ है राइट और मैं यहाँ से सुधांशु कुमार के प्रोफाइल को, को ब्लॉक भी कर सकता हूँ मैं जैसे ब्लॉक पर क्लिक करता हूँ तो ये एजेक्स के थ्रू हो रहा है इसलिए पेज रीलोड नहीं हो रहा ठीक है देख सकते हो ब्लॉक करते अनब्लॉक का ऑप्शन आ गया और अब मैं अगर सुधांशु का जो है वो कोई भी पेज विजिट करने की कोशिश करता हूँ देखोगे हे hey, सुधांशु कुमार योर अकाउंट इज ब्लॉक एडमिन ठीक है तो यहाँ पर ये लिखा आ रहा है राइट मैं यहाँ से अनब्लॉक करूंगा और यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा दंड हो गए अकाउंट जो है वापस से अनब्लॉक हो चुका है तो ये हमने एक सिंपल से यहाँ पर रखा था तुम चाहो तो और भी फीचर्स डाल सकते हो यहाँ पे ये जो ऊपर काउंट है ये बताता है टोटल कितने यूजर्स हैं टोटल कितने पोस्ट हुए हैं कितने कमेंट हुए हैं कितने लाइक्स हुए हैं राइट ये देखो मुझे एडमिन पैनल पर मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं ऑलरेडी एडमिन पैनल से अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में बनाना सिखा चुका हूँ और यहाँ पर कुछ खास हम यूज़ नहीं कर रहे राइट हम वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं लॉग इन का हमने कॉन्सेप्ट बनाया यहाँ पर आउट का कॉन्सेप्ट बनाया बनाया है ठीक है यहाँ पर अगर इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो एडिट प्रोफाइल का पेज दिखे राइट डैशबोर्ड पर क्लिक करूं तो ये दिखे ये चीज़ भी हम कर चुके ऑलरेडी बहुत बार तो मैं बार बार एक ही चीज़ को नहीं करने वाला तो हूँ कोड तुम्हें हमेशा की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है मैं फिर भी तुम्हें दिखा देता हूँ ये जो एडमिन वाला फोल्डर है ये देख सकते हो प्रोजेक्ट में यहाँ पर एडमिन है इसको खोलोगे तो देखो यहाँ पे आ, ये फाइलें हैं जो कि टैंपलेट के साथ आती हैं यहाँ पर इंडेक्स डॉट पी है ये हमारी मेन होम पेज है और एक ही पेज है इसके बाद पी पी के अंदर देखोगे तो एडमिन एक्शंस है एडमिन एजैक्स है और एडमिन फंक्शन है एडमिन फंक्शन के अंदर हमने अपनी जो मेन फंक्शन है उसको भी इंक्लूड कर रखा है क्योंकि हम उसके बहुत सारे फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं ठीक है तो कोड वैसे समझने में आसानी होगी तुम्हें अगर किस जिसने ये पूरा प्रोजेक्ट देखा है और अगर उसे वो कोड समझ में आ गया है तो एडमिन वाला कोड समझने में कुछ खास दिक्कत नहीं होगी मैंने इसको एकदम सिंपल रखा है ठीक है जितना कॉम्प्लिकेटेड uh, हमारा मेन प्रोजेक्ट था उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सिंपल रखा है काफ़ी अब यहाँ पे देख सकते हो किसी भी यूजर के थ्रू लॉग इन कर सकते हो ठीक है उसकी प्रोफाइल देख सकते हो मैसेज देख सकते हो एडमिन के पास ये पावर है और तुम बोलोगे इसमें प्राइवेसी का खतरा सर तो प्राइवेसी ऐसी कोई चीज नहीं होती प्रो सब तुम्हारा सब कुछ देखा जा सकता है वो सब बोलने की बात होती है अब देखो यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे आते हैं यहाँ पर देखते होते पंकज शर्मा ये नेम दिख रहा है यूज़र का ये एक कोने में बटन है इस पर अगर क्लिक करोगे तो तुम्हारा एडमिन पैनल फुल स्क्रीन में हो जाएगा राइट यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं आप से ये एडिट प्रोफाइल पर अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे एडिट प्रोफाइल है जहाँ पे तुम्हारा पूरा नाम तुम्हारा ईमेल एड्रेस और तुम्हारा एडमिन का पासवर्ड है यहाँ से तुम अपना एडमिन का पासवर्ड चेंज कर सकते हो ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हो और नेम चेंज कर सकते हो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर डेव निंजा लिखना चाहूँ देन अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करूँ तो तुम देखोगे प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा आ रहा है और यहाँ पर डेव निंजा हो चुका है नाम राइट ऐसे मैं पासवर्ड और अपना ई मेल भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ राइट तो एड्स प्रोटिकुल सिंपल रखा है मैंने मेरे को पता है इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें और ऐड हो सकती है पर अगर सब मैं कर दूंगा तो तुम क्या करोगे राइट तो इसलिए मैंने बहुत सारे फीचर्स छोड़ दिए इसमें ताकि तुम लोग बनाओ अब कोड का बेस मिल गया तुम्हें राइट एक सोशल नेटवर्किंग चलता फिरता मिल चुका है तुम्हें और इसमें तुम जितनी अपनी तरफ से चीज़ें ऐड करना चाहो कर सकते हो ठीक है और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे मेल कर देने टेलीग्राम लिंक जो है टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी वहाँ से ज्वाइन कर लेना है वहाँ पर पूछ सकते हो तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी राइट तो ये बहुत सारे तरीके हैं मैं मदद कर दूँगा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पर बस एक शर्त है कि तुम्हें प्रैक्टिस तुम्हें मतलब खुद से करना पड़ेगा राइट ट्राई करोगे तो बहुत सारे बंद होते हैं एक फीचर का नाम बताते हैं कहते हैं सर ये ऐड कर दो वो ऐड कर दो देखो ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है पर उससे फायदा क्या हो रहा है तुम्हें सोर्स कोड चाहिए तो पैसे दो मुझे मैं तुम्हारे लिए प्रोफेशनल प्रोजेक्ट बना के देता हूँ इसे सीखोगे थोड़ी लेकिन तुम लेकिन अगर तुम्हें सीखना है तो तो खुद ट्राई करना पड़ेगा खुद ट्राई करो एरर्स आते हैं देन वो वाले प्रोजेक्ट्स मुझे भेजो मैं देखूंगा कि अच्छा चाहे इस बंद ने ट्राई किया देन ठीक है ठीक लगता है करने में